दोस्तों, डिश टीवी श्रीलंका के बारे में क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो इस वीडियो के साथ बने रहें। चाहे आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं या हिंदी जहां भी बोली जाती है वहां से हैं और आप डिश टीवी लंका यूज नहीं करते हैं, फिर भी आप इस वीडियो को देखें कि वहां पे रिचार्ज कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। डिश टीवी श्रीलंका जैसे डिश टीवी इंडिया है ठीक उसी प्रकार से है, लेकिन वो श्रीलंका में यूज होता है और इसका सिग्नल इंडिया में भी है। इसके डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स को आप लोगों ने देखा अभी, उसके बाद से इसको रिचार्ज हम कर सकते हैं, एम कैश से भी कर सकते हैं और तमाम वहाँ की एप्लीकेशंस हैं, लंका विल और तमाम तरीके हैं वहाँ से हम कर सकते हैं। और उसके बाद से दोस्तों एक SMS भेजना होता है कि आपको कौन सा चैनल चाहिए या आपका कौन सा कार्ड है, और उसके बाद से जो ID होती है उसे स्पेस देके डालना होता है, उस पर SMS करना होता है। प्लस इन्फो पैक जो है इनके ₹50 प्लस 38% एक्स्ट्रा, यानी कि इक्वल टू आप देख सकते हैं बराबर इतना है पर महीने, पर मंथ का चार्ज इतना होगा, यानी 38% एक्स्ट्रा ये लोग लगाते हैं हर एक चैनल पे। देखिए क्रिकेट मानिया, अगर आपको क्रिकेट मानिया देखना है, क्रिकेट मानिया स्पेस अपना ID उसके बाद से SMS कर देना होता है डिश टीवी श्रीलंका वालों का, और जो भी आउटलेट है वहाँ के वहाँ पे तो कार्ड वगैरह जो भी जिस तरह वो लोग मोबाइल से रिचार्ज करते हैं, नेट से रिचार्ज करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन अगर आप बाहर में हैं कहीं तो आप एम कैश के जरिए और भी कई वेबसाइटें हैं उनके जरिए आप कर सकते हैं। देख सकते हैं वहाँ के पैक कितने महंगे हैं, 3 चैनल हैं ₹138 में, ₹206 में आपको जस्म प्लस जहान जो मुस्लिम पैक है वो मिल जाता है। तो दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों ने जाना कि डिश टीवी श्रीलंका के रिचार्ज कैसे कैसे होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे डिश टीवी पहले यहाँ पे होता था, लेकिन थोड़ा सा चार्ज वहाँ पे ज़्यादा है।